हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज मैं जो एक फ़ोन की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, रेडमी नोट जो कल से स्टार्ट होने वाला है, फ्लिपकार्ट पे ही मिलेगा सिर्फ आपको। और वो फ़ोन कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो फ़ोन है रेडमी नोट 4। ये कल से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये किसी और वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ये फ्लिपकार्ट मिलेगा। और जो कि ये दिखा रहा है सेल टुमारो 12 नून, दोपहर 12 बजे से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस फ़ोन में ऐसा क्या है आज जानने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस फ़ोन में इन्होंने 3 रेंज निकाली है। पहली रेंज है 9,999 रुपये की, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उसमें 2 GB से रैम है और 32 GB इंटरनल। दूसरी है 10,999 रुपये, यानी 11,000 ही हो गया, जिसमें 3 GB रैम मिलता है आपको, 32 GB इंटरनल। और उसमें 2,000 रुपये अगर आप और खर्च सकते हैं तो 12,999 में आपको मिलेगा 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल। और इसमें जो बैटरी मिल रही है आपको 4100 mAh की मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। स्नैपड्रैगन मिल रहा है 625, 20% मोर इफेक्टिव गेम ऑन विद 4 GB रैम समथिंग, यानी कि 4 GB रैम जैसे आप हैवी अपने गेम्स खेल सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें बताया गया है कि 13 मेगापिक्सल कंपैक्ट कैमरा है, जो कि काफ़ी अच्छा बताया गया है। और डिज़ाइन देखने में लुक्स अच्छा है, बेहतर है। और आप इसके लुक्स के बारे में अगर बात करना चाहेंगे तो ये काफ़ी देखने में स्टाइलिश फ़ोन है। और अगर आप इसे बुक कराना चाहते हैं तो अभी जो इनके पास रेंज है, कमिंग सून लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन देखना चाहेंगे तो देखिए 3 कलर्स में अवेलेबल हैं, ब्लैक, डार्क, गोल्ड। और अगर आप EMI पे भी लेना चाहते हैं तो बहुत इजीली मिल जाएगा, 631 रुपये की EMI है। दोस्तों, EMI में मैं ये बता दूँ, EMI ये उन लोगों के लिए होती है जिनके पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है, तो ये EMI उन्हीं के लिए होती है। होता क्या है कि आपके क्रेडिट कार्ड से पूरा पेमेंट हो जाता है बैंक को, बैंक के थ्रू, और आपको वो पैसा बट अपने बैंक को किस्तों में देना पड़ता है, क्योंकि दुकानदार तो वो वेट नहीं करेगा, वो तो किसी से नहीं लेता, उसे तो पूरा सिक्योरिटी चाहिए। तो वो आपके क्रेडिट कार्ड से, तो आपकी जो लिमिट है उसमें से वो पैसा कट जाएगा, जो इसकी अमाउंट है 6,999। जैसे कि अगर आप इस पर क्लिक करके देखेंगे और आप इसे EMI पे लेना चाहते हैं तो इसकी EMI इस पर देखिए, इस पर इंटरेस्ट लग रहा है, इस पर 12% इंटरेस्ट है, यानी कि ये आपको 13,260 रुपये का पड़ेगा अगर 3 मंथ की EMI पे लेते हैं। अगर आप कभी भी EMI पे लेने जाएं तो पहले अपनी EMI कैलकुलेट कर लें कि आप कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, और वो अलग अलग बैंकों में इसे दे रखे होते हैं। ये 13% ले रहा है, तो सबसे सस्ता आपको 12% एक्सिस बैंक ही दे रहा है, सिटी बैंक महंगा दे रहा है, 13% दे रहा है। दोनों में फ़र्क है, आप यहाँ देख सकते हैं 13%। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये दे रहा है 12%। तो EMI पे अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, 13,260 का पड़ रहा है। और इसके अब फीचर देख लेते हैं, 4 GB रैम, 64 GB एक्सपेंडेबल, 5.5 इंच की HD डिस्प्ले है, 13 मेगापिक्सल का रियल कैमरा है, 4100 mAh की बैटरी है। और उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है, वन स्पीकर है, बॉटम ओपनिंग है, स्क्रीन रेगुलेशन काफ़ी अच्छा है, और एंड्रॉयड मार्शमेलो है, अपग्रेड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 64 GB तो आपको दिखाई दिया था। इसमें माइक्रो SD कार्ड बिल्ट हो सकता है, आप लगा सकते हैं, तो ये और भी अच्छी बता रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऑलरेडी LTE 4G सपोर्टेबल सिम है, 4G सिम इसमें चलेंगे, 3G भी चलेगा, 2G भी चलेगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही रिलायबल 1 ईयर मोबाइल की इसकी वारंटी है, और 6 मंथ की एक्सेसरी की इसकी वारंटी है। तो देखने में सेट काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसे लेने का प्लान बना रहे हैं तो इसे आप कल ही बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लग जाए तो नोटिफाई पे आप यहाँ क्लिक करके अपने मोबाइल ऐप से उसे, जैसे ही ये ऑनलाइन होगा आपको मेल आ जाएगा और आप इसे बुक करवा सकते हैं या किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर आप एक्सिस बैंक से लेंगे 5% का आपको कैशबैक भी मिलेगा। लुक बहुत बढ़िया है, हर लहजे से,
और मेरे हिसाब से लो बजट में अगर आपको फ़ोन चाहिए तो इससे बेहतर अभी कोई फ़ोन आपको मिलेगा नहीं मार्केट में, बिकॉज़ क्योंकि ये पहले भी आया था, बहुत जल्दी बिक गया था। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप इसे लेने का प्लान बना रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं। ओके गाइस।